अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा अभियान में 44 लाख से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 23 लाख से अधिक हितग्राही विभिन्न योजनाओं के पात्र पाए गए हैं। अभी आवेदन पत्र दर्ज करने का क्रम जारी है। प्रदेश स्थापना दिवस पर 1 नवम्बर को सभी जिले में पात्र हितग्राहियों को समारोह पूर्वक हित लाभ का वितरण किया जाएगा। इस दिन 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों का 100% निराकरण करें। आवेदन पत्र अमान्य करते समय मापदंडों का पूरी तरह से परीक्षण कर लें। स्वच्छता मिशन से संबंधित आवेदन पत्र सभी जिलों में बड़ी संख्या में अमान्य किए गए हैं। प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र की हर बसाहट में 100% शौचालय निर्माण के लिए राशि मंजूर करें। आयुष्मान योजना में 22 लाख से अधिक कार्ड अभियान के दौरान जारी किए गए हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर आवेदन पत्रों के दर्ज होने तथा निराकरण की विभागवार समीक्षा करें। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित ना रहे। कुछ जिलों में शहरी क्षेत्रों में कम आवेदन दर्ज होने पर मुख्यमंत्री चौहान ने असंतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव भी उनके विभाग को प्राप्त जिलेवार आवेदन पत्रों के निराकरण की समीक्षा करें। जनसेवा अभियान का दूसरा चरण 25 अक्टूबर तक पूरा करके पात्र हितग्राहियों को हित लाभ मंजूर कर दें। विभागवार प्राप्त और निराकृत आवेदन पत्रों का जिला स्तर से भी व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। कमिश्नर जनसेवा अभियान की नियमित समीक्षा करें। कमिश्नर और कलेक्टर मिलकर लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण का विशेष अभियान चलाएं। इसमें नामांतरण बंटवारा तथा जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण निराकृत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। हर जिले में बड़े सांस्कृतिक आयोजन होंगे। इन्हीं में हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाएगा। श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्थापना दिवस में सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि नवरात्रि तथा दशहरे में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के अच्छे प्रबंध रहें। इसके लिए राजस्व और पुलिस अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ। आगामी त्योहारों में भी कानून और व्यवस्था बनाए रखें। सभी जिलों में शराब तथा अन्य नशीले पदार्थ के अवैध व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। नशा युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है। इससे हमें बच्चों को बचाना है। अवैध व्यापार करने वाले तथा उन्हें संरक्षण देने वाले दोनों पर कठोर कार्रवाई करें। नशे के कारोबारियों की जड़ पर प्रहार करके बड़े माफियाओं को नष्ट कर दें। अभियान के पहले चरण में अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरे चरण में यदि किसी क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार करते हुए कोई पाया गया तो संबंधित पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुक्का लाउंज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। इन्हें तत्काल बंद करें। दुष्कर्म करने वालों को भी किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं। जरूरत हो तो उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण के साथ साथ भ्रष्टाचार में लिप्त शासकीय सेवकों पर भी कड़ी कार्रवाई करें। चिन्हित अपराधों की ही तरह इस संबंध में भी हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी निर्भय होकर अपना काम करें, लेकिन गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी तथा सीएम राइज स्कूलों को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषण आहार तथा उचित मूल दुकानों से खाद्यान्न वितरण की निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, इसका किसानों को सुव्यवस्थित वितरण कराएं।